हे व्हाट्सअप गाइस, आकाश यू आर वाचिंग आकाश टॉक। तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। ये चीज आप में से काफी स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे थे, ठीक है। तो जो नोटिस आया है फ्रॉम आवर सीआईएससी काउंसिल रिगार्डिंग आवर रिमेनिंग एग्जाम, इसके अंदर भैया कंप्यूटर एग्जाम का कुछ भी चीज उल्लेख नहीं किया गया। वी आर कंप्यूटर स्टूडेंट एंड क्या इसका मतलब, क्या कंप्यूटर एग्जाम नहीं होगा, हम ये लेके बात करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, जाकर कर सकते हो, क्योंकि मैं हर एक इंफॉर्मेशन ऑफ आईसीएसई एंड आईएससी एंड सीबीएसई हम उधर पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है, एंड लाइव आके तुम लोगों के साथ बात भी करता हूँ। सो जो फर्स्ट मई को जो नोटिस आया फ्रॉम आवर सीआईएससी काउंसिल या फिर फ्रॉम आवर आईसीएससी काउंसिल रिगार्डिंग दिस नोटिस, हमने लाइव आके हर एक चीज डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उधर भी मैं बाद में बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे थे कि भैया इस नोटिस के अंदर, जिसके अंदर रिमेनिंग एग्जाम्स के बारे में बोला गया है, जिसके अंदर सैटरडे एंड संडे का एग्जाम होगा, ये सारे चीज को लेकर बोला गया है, बट इसके अंदर कुछ कंप्यूटर एग्जाम होगा क्या नहीं होगा ये लेकर तो कुछ बोला नहीं गया, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स वो न्यू नोटिस को नहीं देखे थे जो काउंसिल से आया था फर्स्ट मई को, वो नोटिस अभी के अभी जाके देख सकते हो। मैं ऊपर उसका कार्ड में लिंक दे दूंगा। मैं लाइव किए मतलब लाइव आके मैं हर एक चीज समझाया था, क्या हुआ था क्या नहीं, एंड हर एक 7 पॉइंट्स जो यार काउंसिल दिया था, हम हर एक पॉइंट लेके बात किए थे, ठीक है। तो जाके वो वीडियो चेक करो। एंड मेन थिंग अभी सुनो यार, जो कंप्यूटर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो ये समझने से पहले यार एक चीज समझो कि आईसीएसई के अंदर हर एक सब्जेक्ट ग्रुपिंग किया जाता है, ठीक है। लाइक योर इंग्लिश, इंग्लिश हम लोग का फर्स्ट ग्रुप में आता है, उसके बाद जो सेकंड ग्रुप के अंदर हम लोग आता है बोल सकते हो लाइक योर मैथमेटिक्स, कमर्शियल स्टडीज, इसके बाद बोल सकते हो इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज हमने ग्रुप टू के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे करके तीन ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन इज कंपल्सरी, ग्रुप टू के अंदर तुमको तीन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ग्रुप थ्री के अंदर टू सब्जेक्ट ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एज फॉर एज यू ऑल आर आस्किंग मी द डाउट्स कि भैया क्या एग्जाम होगा कि नहीं, देखो यार इसके अंदर तुम देख सकते हो कि ग्रुप थ्री इलेक्टिव लिखा है, ठीक है। इलेक्टिव मतलब कि जो जो सब्जेक्ट दैट यू आर हैविंग, ठीक है, जो जो सब्जेक्ट जो ग्रुप थ्री के अंदर तुम्हारा है, किसी का कमर्शियल एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर बोल सकते हो किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर किसी का और कोई सब्जेक्ट जो ग्रुप थ्री के अंदर है वो हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई दे हैव रिटन इलेक्टिव, जो सब्जेक्ट तुम्हारा है उस सब्जेक्ट के ऊपर ही वो लोग एग्जाम लेगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर दैट योर एग्जाम विल बी हेल्ड, मतलब होगा एग्जाम, एंड ग्रुप थ्री के अंदर जो सब्जेक्ट है या फिर जो सब्जेक्ट तुमने लिए थे स्कूल के अंदर, वो सब्जेक्ट के अंदर तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। सो आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि कंप्यूटर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एंड अभी तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्या डाउट्स है। अगर कुछ तुम लोगों के पास कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया है, कि अगर कुछ सजेशन है, यू कैन ऑल्सो गिव इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड टाइम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।